ये क्या है? पीएम है और जगह से ऑर्डर प्लेस करते हैं। बहुत चिली भी है ना साथ में। फटाफट चलते, कितना टाइम होगा? आधा घंटा। नो स्पाइसी भाई साहब, मिर्च तो यहाँ तक है। दूसरी चीज मैं खाने लगा हूँ वो सारे इंडियन हाउस होल्ड की फेवरेट खट्टी चीज है यार। अगली आइटम मुझे क्या खा रही है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो मैं हेलो फूडी, फूडी वी में हमेशा की तरह हमने क्या किया, कचरों का कचत कोचो विश्वसनीय। तो गाइस आप लोगों की आ रही थी बहुत ज्यादा फरमाइश कि लेके आओ 60 मिनट फूड चैलेंज वाली वीडियो, और आप लोग फरमाइश करें और फूडी भी हाजिर ना करें, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आ चुके हैं हम 60 मिनट चैलेंज वीडियो, और आज हम करने वाले हैं स्वीट सावर स्पाइसी 60 मिनट चैलेंज। भाई साहब नजारा आ जाएगा वीडियो पे ना, आपको करना है 1,00,000 लाइक। जैसे ही इस वीडियो पे 1,00,000 लाइक हो जाएंगे, हम करेंगे 24 आवर स्पाइसी फूड चैलेंज। और उस स्पाइसी फूड चैलेंज में ना हम खाएंगे दुनिया की सबसे ज्यादा स्पाइसी चीजें, पता नहीं क्या क्या। आपको करना पड़ेगा लाइक, लाइक कर देना, स्क्रीन का बटन तोड़ दो भाई साहब, जैसे मर्जी कर दो लाइक। जरा टाइम वेस्ट नहीं करते, करते वीडियो को शुरू। कराती हूँ मैं अपने पति की बहुत ही ज्यादा कम खर्ची। अब बारी आ चुकी है निकालने की पर्ची। Shit. Yes. तो जी मेरा आया है स्पाइसी, और मुझे लगता है स्पाइसी के साथ ना मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता। तू बाद में आई है, स्पाइसी पहले आया मेरी जिंदगी में। ओ तीखी तो मेरी बहन भी बहुत है। और मेरा आया है सो स्वीट। अब ये मत बोलियो, मीठा तो मेरा जीजा भी है। मीठा साला ये भाई मुझे खट्टा आया है। खट्टा सही तो है, खट्टी चीजें कम मिलती है मार्केट में। तो ये किस्मत में क्या क्या आया पता लग गया, अब निकलते हैं मिशन पे। हमारे इस वीडियो में है थोड़ा सा ट्विस्ट। जैसे कि आप सबको पता है इंडियन फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो इस वीडियो में हम जितनी भी चीजें खाएंगे उन सबको होना चाहिए इंडियन। सही बात है, इंडियन खाना खाएंगे और इंडियन चीजें दिखाएंगे। अब जल्दी से करते हैं पकाटा और देखते हैं सबसे पहले बारी किसकी आती है। जीतूंगा मैं, टेंशन मत, सपनों में। अरे मैं इसमें फर्स्ट आया हूँ ना, चैलेंज में ही फर्स्ट आऊंगा। जनहित में जा रही आदित्य की है पहली बारी, से एक बाहियात शायरी के साथ आदित्य का टाइम करते हैं। चलो। और भाई साहब जिन लोगों को नहीं पता ना 60 मिनट चैलेंज क्या है, तो बेसिकली जिसकी पर्ची में जो आएगा उसको 60 मिनट में उतनी ही वो वाली चीजें खानी पड़ेगी। मैक्सिमम चीजें जो खाएगा वो जीतेगा। भैया एक प्लेट गोलगप्पे लगा दो यार। भैया मेरे को ना सिर्फ लेमन वाला पानी देना है आपने, ठीक है? तो हमने कराया लेमन केवड़ा फ्लेवर की। कोई लोग ये ना बोले कि गोलगप्पे तो तीखे होते हैं, खट्टे नहीं होते। ये वाला खट्टा है, गोलगप्पे तो खट्टे और तीखे मिक्स कॉम्बिनेशन है यार। ये पानी पिला दीजिए थोड़ा सा। नजारा बड़े दिनों बाद गोलगप्पे खाने को मिले, रगड़ दो बस। नहीं चाहिए चुस्की ले लेके पी रही है, मैं जा रहा हूँ इसको यहीं खड़े। दूसरी चीज मैं खाने लगा हूँ वो सारे इंडियन हाउस होल्ड की फेवरेट खट्टी चीज है। भैया कितनी तरह की चाय है अपने पास? खट्टी चाय भी है? लेमन टी बनाते नहीं है, बन जाएगी अभी? भैया एक प्लेट कड़ी चावल लगा दो और एक ना शिकंजी बना देना, उसमें मीठा नहीं डालना, सिर्फ नमक डालना है। भैया यहाँ मिल गया हमें कड़ी चावल, करा ली है। जब तक कड़ी चावल रेडी हो रहे हैं ना तब तक तो कुछ और ढूंढ रहे हैं। के ना 8 मिनट हो चुके हुए, सिर्फ एक आइटम खाई है इसने अभी तक। अरे मेरी 2 आइटमें रेडी भी हो रही है, और अगर मेरे को कुछ खट्टा नहीं मिला तो इसकी टी शर्ट खा जाऊंगा। रंग नहीं खाना है, कलर फूड चैलेंज फिर कभी लेके आएंगे, अभी खट्टी चीज खानी है। इंटरनेशनल लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं, मैं तो इसी से बड़ा खुश हूँ। मौसमी का जूस लगा दो, खट्टा सा बनाना एकदम। तो जी जनाब के हो गए 14 मिनट, और अब जा गए उन्होंने दूसरी आइटम चखी है। पहले मुझे चेक करा, खट्टी है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें अपने साले की बात पे विश्वास नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है तेरे को, मैं अपने साला समझता था, तू तो सारा निकला। थोड़ा कम खट्टा है बट है खट्टेपन पे ही है ना? है खट्टा तो है। पाइनएप्पल का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाएगा मेरे को। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 स्वाद है, चेक करा खट्टा है कि नहीं है। ये ज्यादा खट्टा जूस है भाई। मैंने 2 चीजें ऑर्डर करी हुई है, वो रेडी होगी होंगी जल्दी जाके। 15 मिनट हो गए इसके। भाई साहब ऐसी कड़ी दी है ना भैया ने, नजारा ही आया जिंदगी का। फूड रिव्यू करना छोड़ दे, टाइम निकल रहा है। अजी बिल्कुल पक्की पंजाबी कड़ी, तिक्की भी है खट्टी भी है। 20 मिनट में 4th आइटम हुई है जनाब की, तो सही तो है। अगर इसी पेस से मैं चलता रहा तो 60 मिनट में मेरी 12 आइटमें हो जाएंगी। बहुत अद्दी 12 आइटमें। भैया आपको धन्यवाद। अब तो इसको तुम नहीं बोल सकते खट्टा के नहीं। नींबू डला है, जिम्बाब्वे वाला नींबू। ये रहा जिम्बाब्वे का नींबू। भैया जिम्बाब्वे से लाए नींबू। भैया एक और चीज आई है मेरे दिमाग में, जल्दी चलो। खट्टा है ये, तुम पी लो, मैं जा रहा हूँ। भैया एक प्लेट इडली सांभर लगा दो। 27 मिनट हुए, 6वीं आइटम खा रहा है अपना। सही कहते हैं लोग, सांभर खट्टा होता है। ऑल्दो मुझे नींबू पानी के बाद इतना खट्टा नहीं लग रहा।
खट्टा तो है खट्टा है ना, पर ठीक है। ब्रह्मास्त्र है मेरा करियाने की दुकान, शॉपिंग करूंगा, बट एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरा ना पेट पूरा भर चुका है इतनी चीजें खाते भाई। ऐसी गंदी किस्मत है ना मेरी, बिलिंग के टाइम पे लाइट ही चली गई। कहीं भी जाओ मत डालो कहीं गंद, इतना अच्छा खेलता हूँ मैं, पर क्या आपने कभी मेरे चेहरे पे देखा है घमंड? सातवीं आइटम जो मेरी होने वाली है वो है नींबू मसाला। ओहे क्या खट्टी नमकीन है ना ये, पहले इसकी शक्ल देखेंगे, बहुत दिनों बाद ली है मैंने ये नमकीन। क्या बात है, क्या रंग है, खट्टी है, कम खट्टी है। आइटम नंबर 8 जो कि मेरा बिल्कुल भी लेने का मन नहीं था, डर के आगे जीत है, सिरका खाओ। बट ऐसे सिरका खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि ना खाएं। यूं सारा टेस्ट खराब हो जाएगा तेरा। प्याज होता है ना, मैं प्याज को इसमें डुबो के खाता हूं, वो सिरके वाला प्याज गजब। बहुत चिली भी है ना साथ में, मतलब ऐसे गले में ना काटता हुआ गया गले को मेरे। गर्मियों में नहीं खाया इस बार हमने ज्यादा गोला, अब हम खाएंगे बहुत ही बढ़िया चीज जो है हाजमोला। बढ़िया नहीं है ये, बहुत बढ़िया चीज। हाजमोला ऐसी चीज है ना, एक खाओ तो मजा नहीं आता, ज्यादा खा लो तो पाद बड़े गंदे आते हैं ना। ओहो हाजमोला, ओहो देखो इसमें तो कोई शक गले में फंस गया, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं, ये खट्टा है नहीं है। 10 आइटम हो गए, 45 मिनट, 15 मिनट भी पड़े हैं और मेरी 10वीं आइटम है, मजे ही आ गया आज तो। ये हम लाए हैं खरीद के इमली चटनी, ओए होए पर खट्टी है। अगली चीज जो तो खाने वाला है वो है चंकी चाट मसाला। ओहो मैं हूँ ओंकार का साला। पर ये है बड़ी गजब की चीज, पत्तों पे डालो, किसी चीज पे डालो, चीज को स्वाद बना दे, ये यूथ हो जाता है। तो गाइस 11 आइटमें और 50 मिनट के बाद मैं जा रहा हूँ अपनी लोकेशन चेंज करने। इसके ना सिर्फ 7 मिनट बचे और अब आ गए ये खाने चने कुलचे। तीखे नहीं बनाने आज, खट्टे बनाने हैं। नींबू है, नींबू दे देना आधा काट के मेरे को नींबू। अब तक सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मुझे लगा नहीं है इसके बाद इसको और कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो आराम से तसल्ली से खा ले। खट्टा बड़ा खट्टा, तो तूने खट्टा बनवाया है। मेरी 13 आइटम हो चुकी है, अब मैं करता हूँ सरेंडर, अब तुम दोनों जीत सकते हो मेरे साथ, जीत लो। खोल दूंगी मैं सबका चिट्ठा, मैं आज खाऊंगी मीठा। मुक्ति का टाइम हमने शुरू कर दिया हुआ भाई साहब, मैं सबसे पहले आइटम पीने लगी हूँ, वो है मेरा फेवरेट गन्ने का जूस। वाह मैडम ने ढूंढ तो बहुत ज्यादा जल्दी दिया था गन्ने का रस, 4 मिनट लग गए इसको पीते पीते। बादाम खसखस का दूध पीने से आता है बल, अब मैं खाने लगी हूँ सीताफल। सुबह निकलेगा इसका बहुत ज्यादा बल। एक ही पीस चाहिए, 400 रुपए का एक पीस मिला, ये तो सस्ता होना चाहिए यार इंडिया में। जितने लोगों को सीताफल स्वाद लगता है कमेंट करके बोल दो दैट वी लव सीताफल फ्रूट। 10 मिनट हो गए मैडम, भैया शहनापुर की टेस्ट करा रहा, भैया मुफ्त में खा के चला जाते इंसान, इसको ऐसे मत दिया करो। आइटम नंबर 2 3 15 मिनट हो गए हुए हैं और चौथी आइटम लेके भी आ गई है मैडम। अब बारी आ चुकी है लस्सी पीने की, मैंने इतना मीठा खाने में मुझे लगा मुझे शुगर रश हो जाएगा थोड़ी देर में और मैं से टपुसिया मारना शुरू कर दूंगी। तो पहली बार नहीं शुरू कर दी मुझे, तू टपुसिया कब नहीं मारती, बंदर के जीत जाते रे बे। स्वाद है, लस्सी है बड़ी ठंडी ठंडी, बढ़िया लग रही है। बादाम का दूध है, Yes! एक कर दो भैया। ओ वाओ कुर्सी भी है, एक कुर्सी, कितनी खुश हो रही है ये यार। मुझे सीताफल के सामने कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ये आइटम नंबर 5 है इसकी, अच्छा ना मिल्क बादाम भैया, अच्छा है स्वाद है। एक भैया कुल्फी भी लगा, थैंक यू। क्या हो गया, स्पीचलेस। ये है इसकी 6th आइटम, हुए हैं सिर्फ 20 मिनट। 7वीं आइटम जो मैं खाने वाली हूँ वो है और रबड़ी जलेबी। मेरा पूरा का पूरा साथ दे रहा है, मैंने सोचा था मेरी सिर्फ 7 आइटम्स हुई हैं, बट यहाँ पे मिल चुके मुझे 2 चीजें खाने को, एक है जलेबी और एक है रबड़ी। यार रबड़ी भी बहुत टेम्प्टिंग लग रही है देखने में ना, फटाफट चलते कितना टाइम हो गया, आधा घंटा। आदित्य हमारा कोई नहीं है ताया, इसलिए नहीं है हमारी कोई ताई, अब मैं खाऊंगी खटाई। मारेगी घर जाके मेरी माई, फोन कर ले घर पे, यहाँ पे भी वही वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की है लड़की, ये बेसन वाली है। आइटम नंबर 9 हो, हो, हो। यार अगली आइटम मुझे क्या खानी है ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं किराने की दुकान पे चली जाती हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ देख के मुझे चीजें मिल जाए। ये किराने की दुकान जो है ना ये सच में एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि 4-5 आइटम तो मीठे की वहाँ से इसको मिल ही जाएगी।
करियाने की दुकान से पूरा ढेर उठा के ले आई है और इसके हो चुके हैं ऑलमोस्ट 49 मिनट। आइटम नंबर 10 है हमारे ये इंडियन लड्डू। क्या बात है, पूरी देसी फील। यार इसको हम बोलते हैं व्रत वाले लड्डू। अच्छा? जो कि मुझे इतने ज्यादा स्वाद लगते हैं। मैंने भैया को बोला कि मुझे आप गुड़ वाले दो, बट गुड़ वाले इनके पास अभी थे नहीं। नाइस, जैसे मुरमुरे होते वही वाला फ्लेवर है। ओ ओ हेलो, लाहौरी जीरा। लाहौर कहाँ पे है? जहाँ मर्जी जीरा लिखा है ऊपर। लाहौर जो है वो है पाकिस्तान में, बट ये इंडियन कंपनी है, इंडियन ड्रिंक है। आइटम नंबर 12 इज गुड़। वाह, वेरी वेरी गुड। गुड़ भी मेरा फेवरेट है। किसमिस। आइटम नंबर 13 ड्रॉ हो गया इसका मेरे साथ। ये क्या है? अभी इसके 8 मिनट पड़े हैं और इसने मेरे जितनी आइटमें ऑलरेडी खा ली हुई। अब मुझे थोड़ा सा ज्यादा दुख हो रहा है। अगर मैं वो लास्ट के 2 मिनट यूटिलाइज कर लेता शायद मैं एक दो चीजें और खा पाता। एग्जैक्टली। और जो अगली चीज मैं खाने वाली हूँ वो आदित्य की आइटम में भी आती, वो है ये खट्टी मीठी गोलियां इमली की। दिल की अरमा आंसू में बह गए। आदित्य तुम ये क्या क्या कह गए? चेहरा दिखाइयो घमंड वाला, तभी तुझे घमंड दी है। आइटम नंबर 15 15 आइटमें तेरी हो गई हैं। 5 मिनट तेरे रहते, मैं कह रहा हूँ सरेंडर कर दे। कर ही देती सरेंडर, पता है क्यों? हाँ। यार इतना मीठा आ गया था, मुझे अजीब सा लगा। मेरा कुछ ओंकार की अगली आइटम कौन सी होने वाली है? अब मेरा स्पाइसी खाने का मन हो रहा है। जब मैं खट्टा खा रहा था इसका खट्टा खाने का मन था। आपको ना शुरुआत में बताना चाहूंगा मैं एक चीज कि ये चैलेंज जीतने वाला है चैंपियन, और वो भी स्वाद स्वाद से। हो सकता है कि मेरी परफॉर्मेंस देखते वक्त आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाए, तो खाने पीने की चीजें अपने साथ रख लो, मजा बहुत आने वाला है। डिस्क्लेमर देने वाला हूँ कि ये बंदा स्वाद स्वाद में मरा जाएगा। शुरुआत करने जा रहे हैं हम इंडियन बर्गर के साथ, जो है अपना वड़ा पाव। उसके साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल चुकी है हरी मिर्च। आइटम नंबर 1 हरी मिर्च। एक वड़ा पाव होगी, एक हरी मिर्च होगी। स्वाद सच में बहुत ज्यादा, मजा ही आ गया। साथ ही साथ मुझे दिख चुकी है मेरी दूसरी चीज, तीसरी चीज, कुरकुरे। ये इंडियन होते हैं। ये बनता तो भाई एक के बाद एक चीजें ढूंढी जा रहा है यार। जब मैंने फीलिंग में हरी मिर्च खा ली थी, बट वो तीखी इतनी ज्यादा थी ना कि मेरी हालत बुरी हो रही है, इसलिए उसको दबाने के लिए ओंकार स्पाइसी वाले कुरकुरे खा रहा है। देखो ओंकार भाई, तुम जीतो हारो, मुझे तो यही सोच के मजा आ रहा है कि तुम्हारी सुबह क्या हालत होगी। मैं ना एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे हर चीज स्पाइसी मिलती है। पानी भी पी लोगे मुझे लगता है स्पाइसी देते होंगे। एक ना आप कर दो, सबसे स्पाइसी मोमोज कौन से अपने? भाई मोमोज कब से इंडियन हो गए? तंदूरी मोमोज तो इंडियन है यार, जिस चीज में इंडियन ने सीख गुजार दी हुई है वो तो इंडियन है। और जगह से ऑर्डर प्लेस करते हैं। यार मैं तो सबसे बचपन से ये सोचता था कि चिली पनीर इंडियन होता है। शिट, मेरे साथ ना बहुत ज्यादा धोखा हो रहा है। जो चीजें मुझे लगती होती थी बचपन से कि इंडियन है, आज मुझे पता लग रहा है वो चाइनीज है। पनीर कहाँ से चाइनीज हो गया? मैं इंडियन हूँ। तुझे खाजू मिर्च का पराठा बन जाएगा? मिर्च का हाँ बन जाएगा। बना दो। तो जी हो चुका है सोने पे सुहागा। देखो मिर्च वाला पराठा तो आ गया हुआ है, तीखी चटनी भी दे दी गई है। तो ये है मेरी आइटम नंबर 4। पराठा स्वाद है, पराठा सच में स्वाद है। और ये है मेरी आइटम नंबर 5 है। और ये हमारी 6वीं आइटम भी आ गई है। देख के पता लग रहा है बहुत ज्यादा तीखा होने वाला है। देख के पता लग रहा है चाइनीज है। गजब है। पानी कौन सा है, मीठा और तीखा है ना? तीखा है ना, दोनों है। तीखा रहे दो। आइटम नंबर 7 कैसा पानी? थैंक यू। भाषा ओंकार ने पकड़ ली है पूरी पेस। 28 मिनट में 7 चीजें खा ली हैं। 8वीं चीज भी मैंने ढूंढ ली हुई है। क्या है 8वीं चीज? बर्गर, रेडी वाला। एक बर्गर लगा दो। ये बर्गर इंडियन है ना? इंडियन बर्गर है, इंडियन है ना। देखो भैया के चेहरे पे स्माइल है, सच्चाई है, भैया बोल रहे इंडियन है तो इंडियन है। भैया गौर से देखो इस बर्गर को, किस एंगल से ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस बर्गर को ये अमेरिकन होता है। इंडियन बर्गर कौन से अमेरिकन बर्गर में है? तू गया कभी अमेरिका? गया तू कभी अमेरिका? मैं गया हूँ, मैंने नहीं देखा वहाँ पे ऐसा। अब बोल। खाते हैं अपनी 8वीं आइटम। 8वीं नहीं है, 7वीं हुई है। ये तो तुम टेस्ट के लिए खा लो, ये सब चीजें भी होती है इंडिया में। ये भी इंडियन है, कमेंट कर दो दिस इज इंडियन। मेरा ना 36 मिनट हो चुके हुए और इस मार्केट में जितनी भी स्पाइसी चीजें थी सारी खा चुका।
अपना मैंने ऐसी ऐसी चीजें खानी है कि ये भाई बहन जो है ना कोई आर्गुमेंट कर ही ना पाए कि ये इंडियन नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है। अभी भाई साहब अमृतसरी कुलचे वाली शॉप पे आए, एक चूर चूर कुलचा लगा दो पर उसके ना हरी मिर्चे जो है ना दबा के डाल, चार पांच हरी मिर्चे डाल देना, सबसे तीखी वाली हुई है। और जब तक अपना ऑर्डर लग रहा है ना और चीजें ऑर्डर करते हैं, आज तो इनको हरा के ही रहेंगे। टाइम की करी है मैंने फुल यूटिलाइजेशन और इतनी ज्यादा चीजें ऑर्डर करके मंगा लिया ना, पांच मिनट बचे तुम्हारे पास, ये जो तुमने चीजें ऑर्डर किया ना इसको पांच मिनट में तुम्हें दिखाना भी पड़ेगा, नहीं तो कंसीडर नहीं होगी। आपसे दिखा देंगे भाई साहब, सबसे पहले अपना ये चूर चूर कुलचा, बहुत ही कागर हुआ पर फिर भी इतनी ज्यादा गजब चीज है ये कि जुबान पे लग चुकी है, पूरी खत्म ही होगी। पता क्यों? क्योंकि अमृतसरी कुलचा। बेटा बेटा होता है और बाप होता है बाप। अगली आइटम जो हमने कराई है वो है सोया चाप। वाह वाह वाह, और ये है स्पेशल स्पाइसी वाली सोया चाप। कितनी स्पाइसी है खा के पता लगेगा, स्पाइसी वाली है ये। तुम्हें खामी को सच्चे बताओ अपना कुलचा इतना स्पाइसी था, क्या मसाले डाले हैं? कल तो बुरा हाल होने वाला है, ये नहीं सोच सकता कि किस चीज की वजह से मेरा हाल बुरा हुआ है। सबसे ज्यादा मेरे पेट के अंदर जलन होनी शुरू हो चुकी है। इसके अंदर मलाई डाली पर जो मलाई और मिर्च का कॉम्बिनेशन है ना, इसको भी पता चलेगा। अगर तुम नहीं नहाओगे हो जाएगी तुम्हें खाजी। अब हमने मंगाई है पाव भाजी, तो ये पाव भाजी भी स्पाइसी वाली करवाई है हमने। वो भाई साहब मिर्चे तो याद है, पाव भाजी के अंदर भाजी कम और मिर्चे ज्यादा है। मुझे लग रहा है कुछ दिनों तक ना उनका कुछ स्पाइसी नहीं खाने वाला भाई। ये तो बंदे ने मेरे से दुश्मनी निकाल ली है, कुछ ज्यादा तिक्खी है, सच्ची बहुत तिक्खी है। सीसी वाली तिक्खी नहीं, चीखने वाली तिक्खी है। मजा आता है करने में मुझे मनमानी। अगली आइटम जो हमने मंगाई है वो है बिरयानी, और तुम्हारे पास है पूरे को पूरे 30 सेकंड। अगर खाओगे तो ये 12th आइटम तुम्हारा कंसीडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। 12th आइटम ही है बस, खा लो वो भी नहीं कंसीडर करूंगी मैं। मेरी चैलेंज हार गया। खुशी हो रही है मुझे बताते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि अब तो क्या ही बचा टाइम। 15 सेकंड में क्या ही खा लूंगा, ये खा लो जो है। देखो मैंने चीजें खाई बहुत स्वाद स्वाद है, पर अफसोस मैं हार चुका हूँ और मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं जीत चुकी हूँ। मोमोज और बर्गर खाए, बहुत ज्यादा स्वाद था या ये इंडियन फूड? टेस्टी तो भाई, अपना देसी वाला इंडियन ही है ये बिरयानी पाव भाजी। मतलब देख लो चैलेंज खत्म भी हो गया हुआ फिर भी मुंह नहीं रुक रहा है, यहाँ पे लगे हुए खाने। आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, रीति रिवाज पूरे कर देना, कमेंट करके जरूर बोलना मुक्ति वेरी गुड वेल डन मजा आ गया। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, फूडी वीको।